हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक सीलिंग फ़ैन के बारे में, जो कि सीलिंग फ़ैन मेरे पास आया है, उसकी बेयरिंग ख़राब है। मेरा ये सीलिंग फ़ैन काफ़ी आवाज़ कर रहा है, तो है ये पोलर कंपनी का एक सीलिंग फ़ैन है। जब ये चलता है तो काफ़ी तेज़ से इसमें आवाज़ होती है, इसका मतलब कि इसकी बेयरिंग ख़राब हो गई है और बेयरिंग इसकी चिपक रही है और प्रॉपर घूम नहीं रही है, इसलिए ये साउंड कर रहा है, आवाज़ कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी बेयरिंग को हम लोग किस तरीके से बदलते हैं और किस तरीके से इसमें नई बेयरिंग को लगाते हैं, किस तरीके से इसको खोलना है, किस तरीके से इसकी बेयरिंग को हम लोग हटा करके इसमें न्यू बेयरिंग इंस्टॉल करेंगे। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। अब हम लोग इसको खोल लेते हैं। अब हमने इसको खोल लिया है, इसके ऊपर का कैप मैंने निकाल दिया है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा ठोंक करके इसकी बाइंडिंग को हम लोग बाहर कर लेंगे, ताकि दोनों पल्ले आसानी से खुल जाएं। ऊपर वाली तो खोल लिया है हमने, नीचे वाले को भी हम लोग ठोक करके खोल लेते हैं, ताकि दोनों वायरिंग हम लोग ईजिली इसमें चेंज कर सकें। अब ये हमारे कुछ वायर्स होंगे, इनको हमें ऊपर कर लेना है, नहीं तो हमारे ये वायर ये उसमें टकरा करके, बॉडी में टकरा करके कट जाएंगे। तो इस तरीके से एक ये होल बना हुआ है, इस होल के थ्रू हम लोगों को तारों को ऊपर ले लेना है, ताकि हमारे तार उसमें कटे नहीं, इसलिए हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं। और ऊपर करने के बाद में तार मैंने ऊपर कर लिए हैं, इसका ऊपर का कैप भी हमने निकाल दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारी बाइंडिंग है, मोटर बाइंडिंग, और ये हमारे ऊपर के कैप हैं। एक बायरिंग हमें आपको यहाँ पर मिलेगी और एक बायरिंग आपको नीचे वाले कैप में, ये वाली एक बायरिंग यहाँ पर अवेलेबल है। दो बायरिंग इस पंखे में लगती हैं, तो इन दोनों वायरिंगों को हम लोगों को चेंज करना है। अब किस तरीके से चेंज करते हैं तो वीडियो में हम दिखाते हैं आपको। ये हमारी बाइंडिंग है, इसको मैं साइड रख देता हूँ। अब ये ऊपर का एक कैप लगा होता है, इसको मैं खोल लेता हूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक का है, अगर थोड़ा सा प्रेस होगा तो टूट सकती है ये। अब ये एक डाई की सहायता से हम लोग इसमें इसकी बैरिंग को देखिए किस तरीके से हम लोग ईजिली खोल लेते हैं। थोड़ा सा इसको प्रेस करना होगा, बस पेचकस से इसको कसने के बाद में ये बैरिंग ईजिली ऊपर निकल आएगी। तो देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से इसको खोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एक ये डाई है, जिसके थ्रू हम लोग बायरिंग को निकाल सकते हैं ईजिली, कि बिना चोट पहुंचाए। आप ये देख सकते हैं ईजिली हम लोग इसको घुमाते हैं और बहुत ही ईजिली हम लोग इसको बाहर निकाल लेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी बायरिंग बाहर आ गई है। ये कुछ इस प्रकार की हमारी ये बेयरिंग होती है, कुछ इस प्रकार की ये हमारी बेयरिंग होती है। ये ऊपर की बेयरिंग है, इसको मैं साइड रख देता हूँ अभी। अब आगे देखते हैं ये दूसरी बेयरिंग को हम लोग किस तरीके से खोलते हैं। अब ये ऊपर का एक कैप लगा होता है, जिसमें से मेरी मोटर चपक के चलती है, तो इसको भी मैं निकाल देता हूँ। अब इस ऊपर वाली ये अंदर वाली बेयरिंग को भी हम लोग निकाल लेते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग इसमें रख करके इसको ठोंक सकते हैं ईजिली, ताकि बेयरिंग हमारी नीचे की ओर प्रेस हो जाए और निकल आए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाली बेयरिंग भी हमने निकाल ली है, इसको भी कितना इजी तरीके से निकाल ली है। ये भी हमारी एक नीचे वाली की बेयरिंग है, इसको भी मैं अभी साइड में रख देता हूँ। अब इसमें मैं ये दो न्यू बेयरिंग को इंस्टॉल करूँगा, लगाऊँगा, और दिखाते हैं कि किस तरीके से इजी तरीके से हम लोग इसमें बेयरिंग को फिट कर सकते हैं और इस साउंड से हम लोग बच सकते हैं, कि ये जो ख़राब से साउंड पंखों में निकलती है, तो इससे हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं। ये हमारी दो बेयरिंग हैं, इन दोनों को हम लोग को फिट करना है, कुछ इस तरीके से रख करके हथौड़ी की सहायता से धीरे धीरे हम लोगों को ठोक देना है और अच्छे से बिठा देना है खांचे में। तो हम लोग इसमें बिठा दिया है। अब ये दूसरे वाले को भी हम लोग देख लेते हैं कि आसानी से इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रेस करके हम लोग इसको बिठा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों बेयरिंग मैंने लगा दी हैं। अब इसके ऊपर का कैप हम लोग लगा देते हैं। इस कैप को भी हम लोग ईजिली बिठा लेते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। मोटर बाइंडिंग जो होती है वो मेरी इसी से चलती है, रोटेट होकर के। अब ये बाइंडिंग हम लोग इसमें फिट कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से ईजिली हम लोगों को घुमा के देख लेना है, ताकि दिक्कत ना हो। अब ये ऊपर वाले कैप को भी हम लोग इसमें ईजिली कस लेंगे, इसको कुछ थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस करके, और इसको हम लोगों ने घुमा के देख लेना है। कभी कभी क्या होता है, साइज सही से नहीं बैठता तो हमारा जाम सा चलने लगता है, इसलिए हम चारों तरफ से इसको बिठा करके थोड़ा सा हथौड़ी से प्रेस करेंगे तो ईजिली बैठ जाएगा। और इसको हम लोग बांध लेते हैं, फिर हम आगे दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से ये
इसकी बाइंडिंग हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि ये बाइंडिंग खोलने वोलने में हमारी बाइंडिंग तो इसकी शॉर्ट नहीं हो गई, तो ये सीरीज लैंप के थ्रू हम लोग इसको चेक कर लेंगे। और ये आप देख रहे होंगे कि पंखा मेरा बिल्कुल ओके है, चल रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब इस होल की सहायता से हम लोग इसके वायर भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें कनेक्शन भी तो करने हैं फ़ैन में। तो इस होल अभी हमने निकाले थे, इसी होल से हम लोग दोबारा से इसको निकाल लेंगे ताकि इसमें हम लोग इजीली कनेक्शन कर सकें। ये कनेक्टर होता है, वायर कनेक्टर, जिसमें हम लोग वायर कनेक्ट करते हैं या कैपेसिटर को भी इसमें लगाते हैं। तो इसको हम लोग इस पेंच के थ्रू इसमें कस देते हैं। अब इस कैपेसिटर को हम लोग इसमें फंसा देते हैं और इसके हम लोग कनेक्शन कर देते हैं। इस कनेक्शन की वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखी है, जिसने बिना देखे तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए और आप सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन ईजिली कर पाएंगे। अभी तो मैंने इस वीडियो में बैरिंग के बारे में आपको बताया कि बैरिंग को हम लोग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं इसके कनेक्शन की बात करूँ तो कनेक्शन उस वीडियो में पड़ा हुआ है, आप ईजिली जा करके मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। अब हम लोग इसको चालू करके देखते हैं कि क्या मेरा फ़ैन ओके चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथ मेरा फ़ैन चल रहा है, कोई साउंड नहीं है इसमें और कितनी स्पीड में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।